पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मैम, कुछ बोला उसने? मुझसे तो वो कुछ बात ही नहीं करती है। आपकी बच्ची कह रही है कि वो हेडफोन शांति के लिए लगा के रखती है। बहुत शोर है। शोर? कैसा शोर? मैम, हम लोग तो बहुत पीसफुल जगह रहते हैं। अच्छा, शिमिंटू से ट्रैफिक या फिर कोई सिटी का शोर होगा, इसे दिक्कत होगी शायद। उसे घर में शांति नहीं मिल रही है। देखिए रेणु जी, बच्चों का बिहेवियर घर के माहौल का सीधा रिफ्लेक्शन होता है। अगर घर में शांति है, अच्छा माहौल है, तो बच्चे पे पॉजिटिविटी नजर आती है, कम्युनिकेशन बेटर होता है। नहीं तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और आपकी बच्ची, आई थिंक शी इज यूजिंग म्यूजिक एज अ शील्ड, अपने घर के माहौल और अपने गुस्से से छिपने के लिए। सो आप परेशान मत होइए, पर ये सोचिए कि आप उसकी मदद कैसे कर सकती हैं। आई थिंक उसे सिक्योर फील करवाइए, उससे बात करिए, दोस्ती करिए। यू नो, बच्चे हों या बड़े हों, हर किसी के गुस्से के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। हम बस गलत बिहेवियर पकड़ के बैठ जाते हैं, उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं करते। तो आज के लिए जस्ट बी विद हिम, टॉक टू हर। Thanks a lot. So, Mihika, I'm gonna see you tomorrow. Hello. Kya? ओके ओके, मैं आ रही हूँ जी। ओके बाय। सर क्या हुआ? मंकी? मैम, एक्सक्यूज मी, जस्ट प्लीज। यस, क्या हुआ सर? मैम, आरव आज बिना बताए स्कूल से बाहर निकल गया था। बिना? क्यों, क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया। घर जा रहा था पर क्यों जा रहा था ये बता ही नहीं रहा है। स्कूल में कुछ हुआ? किसी बच्चे के साथ झगड़ा हुआ आरव का, या किसी टीचर ने डांटा? मैम, तो हुआ होगा ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मिस सिंह। इनफैक्ट आज तो क्लास में हम फन एक्टिविटी कर रहे थे, सारे बच्चे बहुत खुश थे। हमने बच्चों को एक शॉर्ट स्टोरी लिखने का सब्जेक्ट दिया था, जिसका सब्जेक्ट था कि अगर बच्चों को उनका सुपर हीरो, फेवरेट सुपर हीरो मिल जाए तो वो फिर क्या करेंगे। और आप तो जानती हैं, बच्चे और सुपर हीरोज, सारे बच्चे खुशी से पागल हो रहे थे। कोई कोई स्पाइडरमैन पर लिख रहा था, तो कोई बैटमैन पर, सुपरमैन पर, रॉबिन पर। बैटमैन, रॉबिन, मंकी, क्या है वो? कुछ नहीं। किसके लिए बना रहे हो? रॉबिन के लिए बना रहा हूँ मम्मा, बताओ ना वो कराटे क्लास वाला। ओके मैम, विल टेक अ लीव। कैसे समझाऊं आरव को यार? बैटमैन, क्या प्लान है? स्पोर्ट्स क्लब में मिलोगे? बैटमैन, क्या प्लान है? स्पोर्ट्स क्लब में मिलोगे? बैटमैन, क्या प्लान है? स्पोर्ट्स क्लब में मिलोगे?
क्या प्लान है? स्पोर्ट्स क्लब में मिलोगे? बैटमैन, क्या प्लान है? स्पोर्ट्स क्लब में मिलो। आरव, आरव, रिलैक्स। आरव, नो 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 तू। आरव, 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 रिलैक्स। आरव, काम डाउन। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इट्स ओके, इट्स ओके। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। Listen, listen, listen. आपको पता है? आपको पता है कल वो आ रहे हैं? और पास्ट को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा ना? उन्होंने क्या कहा? कि बुरा पास्ट हमारे आज को अंधेरे में ढकेल देगा, right? है ना? वो कितना प्यार करते हैं आपसे? आपको ऐसे देखेंगे तो कैसा लगेगा उन्हें? Relax, 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 relax. बाबू कितना सकल मारा करो हमें कहाँ में मुझे और मुझे दूर नहीं रहना आपको पता नहीं है मुझे कितने सारे बातें करनी होती हैं उनके साथ I know please आप सकल के साथ परमानेंट करो हमें क्या हमें और कुछ चेंज नहीं होगा फिर I know अंकित आप मेरे जोड़ी से डाली आप इस दुनिया को पूरी कर दो ना please हाँ मंकी रिलैक्स रिलैक्स मेरी तो छोटी सी दुनिया बन गई थी उस बच्चे के साथ वो मेरा बैटमैन और मैं उसका रॉबिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं था हमें बहुत स्मार्ट बच्चा है मुझसे छोटा होने के बावजूद मुझे सलाह देता था कि मेरी मम्मी ये कहती है मेरी मम्मी ये कहती है समझदार इमोशनल स्मार्ट हजारों में एक है वो बच्चा जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं व्यान भाई जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाते बहुत याद आते हैं फिर आपको तो बेसब्री से इंतजार होगा अपने बैटमैन से मिलने का पूछो मत यार इंतजार ही तो नहीं हो रहा मुझसे वैसे रिश्ता तो आपका हमारे साथ ही बन गया व्यान भाई आपकी yeah. शायरी और आपके गाने हमें हमेशा याद आएंगे अगर किस्मत में लिखा तो फिर मिलेंगे पर यहाँ नहीं यहाँ से बाहर हेलो आरव को आपकी बहुत जरूरत है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है आई थिंक ये चेंज उसकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा आप वापस आ जाइए फिर हम अपना रिश्ता पक्का कर लेते हैं हम सगाई कर लेते हैं मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं कल मेरे आते ही सगाई की रस्म कर लेते हैं Very nice. Now relax. Anvi, help me please. You feel good? चलो, कल मिलते हैं. Okay. Okay. Ma'am, आपके sessions के बाद बहुत शांति मिलती है. Thank you. Thank you. And continue your music. Yes. Hmm? Bye. Bye. See you tomorrow. Bye bye. चल. एक कथा तेरे घर पे मूवर मेकर वाले आ गए काम शुरू हो गया है और ना शाम तक तो सारा काम भी हो जाएगा तू ये सगाई जल्दबाजी में तो नहीं कर रही है ना फाल्गुनी बहन मुझे लगता है यही सही वक्त है जो भी हो भले ही आरव उन्हें पसंद करता है पर ये रिश्ता हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत होगा कि सगाई बस एक रस्म है हम दोनों को याद दिलाने के लिए कि हम लाइफ के नए फेज में जा रहे हैं तू जो भी करेगी ना
सब सही करेगी, हमारी कथा। मैं तो बस तेरी दिल की बात जानना चाहती थी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।